न्यूज के हेडलाइन के प्रायोजक हैं एशप्रा। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक हैं डॉक्टर राणा हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड एंड ट्रामा सेंटर। कश्मीर में धारा 370 हटाए जाने तथा बकरीद, 15 अगस्त, जन्माष्टमी से प्रमुख त्योहारों को देखते हुए पूरे जोन में अलर्ट जारी। एडीजी ने कहा, सभी जिलों के अधिकारियों को मुख्यालय पर बैठने के लिए आदेश जारी। छुट्टियां हुई निरस्त। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटाने के ऐलान के बाद भाजपाइयों ने किया खुशी का इजहार, खिलाई मिठाई की आतिशबाजी, कहा देश को मिली है दूसरी आजादी। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी जिला अध्यक्ष श्याम नारायण यादव पर बदमाशों ने किया हमला, गोली लगने से एक युवक की हुई मौत, दो युवक गंभीर रूप से हुए घायल, घायलों का एक निजी अस्पताल में चल रहा है इलाज। मंडलायुक्त की अध्यक्षता में संपन्न हुई 1 करोड़ से ऊपर के निर्माण कार्यों की मंडलीय समीक्षा बैठक, कहा निर्माण कार्य मानक के अनुरूप न पाए जाने तथा विलम्ब होने पर संबंधित निर्माण एजेंसी के खिलाफ दर्ज होगा FIR। सावन माह के 7 त्योहारों को लेकर सतर्क है गोरखपुर पुलिस, कश्मीर मुद्दे पर जारी है राष्ट्रीय अलर्ट। SSP ने कहा, नहीं होने दी जाएगी कोई भी अप्रिय वारदात। गोरखनाथ मंदिर एवं जिला कुश्ती संघ गोरखपुर के तत्वावधान में आयोजित कुश्ती प्रतियोगिता का नाग पंचमी के शुभ अवसर पर हुआ समापन। गोरखपुर केसरी बने अमरनाथ यादव, गोरखपुर कुमार की उपाधि जनार्दन यादव को, सुरेंद्र यादव को मिली वीर अभिमन्यु की उपाधि। राज्य विद्युत परिषद जूनियर इंजीनियर संगठन ने मुख्य अभियंता पर लगाया उत्पीड़न का आरोप, संगठन के सचिव व अवर अभियंता के तबादले पर जताया विरोध, 7 अगस्त से पूर्वांचल स्तर पर आंदोलन की दी चेतावनी। CRC गोरखपुर तथा जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग गोरखपुर के संयुक्त तत्वावधान में सहायक उपकरण वितरण कैंप का किया गया आयोजन, CDO अनुज कुमार सिंह ने किया सहायक उपकरण वितरण। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी जिलाध्यक्ष के ऊपर हुए जानलेवा हमले के संबंध में पार्टी कार्यकर्ताओं ने SSP से मिलकर सौंपा ज्ञापन, आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग। कश्मीर से धारा 370 हटाए जाने की खुशी में विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने की आतिशबाजी, लगाए गगनभेदी नारे, मोदी और अमित शाह के इस निर्णय को सराहा। 68वीं वार्षिक पुलिस अंतर जोन फुटबॉल प्रतियोगिता में कांस्य पदक हासिल करने वाली गोरखपुर जोन की टीम ने किया ADG से मुलाकात, टीम की सफलता पर ADG ने दी बधाई, किया नगद पुरस्कार की घोषणा। जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाए जाने पर भाजपा व्यापार प्रकोष्ठ ने की आतिशबाजी, कहा इससे बढ़ेगा देश का स्वाभिमान। हिंदू चेतना मंच के कार्यकर्ताओं ने धारा 370 और 35A समाप्त कर दीप प्रज्वलित कर लिखा स्लोगन, सरकार के इस फैसले का किया स्वागत। और नागपंचमी पर गूंजा शिव मंदिरों में बोल बम के जयकारे, जलाभिषेक के लिए लगी रही लंबी कतारें, श्रद्धालुओं ने भगवान शिव का पूरी आस्था के साथ किया जलाभिषेक।